आज की गतिविधि का नाम है डेटा हैंडलिंग। इसमें मैंने दो टेबल तैयार की हुई हैं, एक तो आकृतियों के अनुसार और दूसरी रंगों के अनुसार, और बच्चों को टाइल्स दे दी हैं। बच्चों को आकृतियों के अनुसार पहले काउंटिंग करके लिखना है और फिर रंगों के अनुसार अपने टाइल्स को गिन के लिखना है। मैंने बच्चों को बताया हुआ है कि दोनों तरीके से टाइल्सों की संख्या सेम आनी चाहिए तो उनकी डेटा हैंडलिंग बिल्कुल सही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गतिविधि थोड़ी बड़े बच्चों के लिए है क्योंकि इसमें दो टेबल मैनेज करनी होती हैं और दोनों तरह से उनका जो योगा सेम आना चाहिए, तो ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए है। तुम्हारी एक तरफ की टेबल कंप्लीट हो गई है, अब अपने टाइल्स को रंगों के हिसाब से गिन के और लिखो। सोनी के टोटल में गड़बड़ आई है, कलर वाले में इसके 44 हैं और आकृतियों वाले में इसके 39 है। जब मैंने ये चेक किया तो इसके में थोड़ी गड़बड़ थी, जो सर्कल वाले थे वो 8 थे और जो चतुर्भुज वाले हैं वो 7 थे। तो ये जब मैंने इनका प्लस किया तो 44 आया, ये थोड़ी सी इसकी में गड़बड़ रही, बाकी का देखते हैं। वर्णिका और अक्षी का बिल्कुल सही आया है, उधर भी आकृतियों के अनुसार भी और रंगों के अनुसार भी। वंशिका बचती है, उसका देखते हैं क्या रहता है। वंशिका वाले में भी गड़बड़ रहा, रंगों के अनुसार वाले में 44 हैं और आकृतियों वाले में उसके 40 हैं। तो चलो एक बार मैं चेक करती हूँ कि इसने कहाँ पर गड़बड़ की हुई है। वंशिका की काउंटिंग में भी गड़बड़ रही, उसने ट्राइंगल वाले गलत लिखे हुए थे और चतुर्भुज वाले भी उसके गलत थे, क्वाड्रिलेटरल वो भी उसका गलत ही था। तो बाकी और